सभी को नमस्कार। मेरे प्रभु वास्तव जी आयुर्वेदिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज एक ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं जो बीमारी के परीक्षण हुआ ही नहीं, परीक्षण को लेकर ही सबसे बड़ी समस्या है। अर्थात जिस किसी व्यक्ति के गांठ हो गई तो बुरा कौन ताकता है कि जो घर का होता है, कौन सोचता है बुरा घर का होता है, तो वो उस गांठ को लेकर यह सोचने लग जाता है कि ये जो गांठ हुई है कहीं कैंसर ग्रस्त नहीं है। और जांचों को हजारों रुपए लग जाते हैं। कैंसर से जितना डर नहीं है उससे ज्यादा उसकी जांच को लेकर है कि अगर गांठ में कैंसर हुआ और उसको छेड़खानी की, उसको शल्य चिकित्सा की, उसको चीरा फाड़ा कर उसका सैंपल निकाल के जांच के लिए भेजा तो वो छिड़ जाएगी और छिड़ने के बाद में वो ठीक होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या धारणाएं चल रही है। मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा बता रहा हूं जिसको बिना शल्य चिकित्सा किए, बिना सर्जरी किए और उसका परीक्षण कर सकते हैं कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं। ये नुस्खा सुनने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वैल्यूबल जानकारी आप सबसे पहले मिलती रहे। ये जो सिंदूर है उसको ले लो आप और उसमें गाय का देसी घी मिला लो, जितनी मात्रा में चाहिए उस गांठ के ऊपर लगाने के लिए उतना ले लो और आप उसको जबरदस्त एक मतलब उसको लेप बना दो जोरदार, और उस लेप का गांठ के ऊपर जहाँ वो जो संदिग्ध गांठ है उसके ऊपर आप लेप कर दो सिंदूर और देसी घी गाय का। एक घंटे तक अगर वो सिंदूर का कलर काला हो जाता है एक घंटे के दौरान, तो आप मान के चलिए वो गांठ कैंसर की है। और अगर वो काला नहीं हुआ, उसी स्वरूप में रहता है, उसी कलर में रहता है, तो वो ऑर्डिनरी गांठ है। और एक आप विश्व बड़ी जबरदस्त विशेष बात बता देता हूँ कि 99.99% गांठें जो है वो कैंसर की होती ही नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये परीक्षण आप करते हो तो जांचों में जो हजारों रुपये वो बच जाता है। ऐसी और बेहतर जानकारी के लिए मुझे विश्वास है कि आपको अगर ये अच्छी लगी तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।